हेलो एवरीबडी आई एम रिचा एंड आई वेलकम यू वन सेकेंड टू परचम क्लासेस आज का जो टॉपिक है वो है बायोस्फेयर रिजर्व्स इन इंडिया यानी भारत के बायोस्फीयर रिजर्व्स जिनमें 18 बायोस्फेयर रिजर्व आते हैं वो सारे हम डिटेल में कंप्लीटली याद करेंगे कौन सा क्वेश्चन कैसे बनता है बता देती हूँ किसी बायोस्फेयर रिजर्व का नाम दिया जाएगा और स्टेट आपसे पूछे जा सकते हैं उस बायोस्फेर रिजर्व से रिलेटेड कोई पिक्युलर इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है आ, या फिर उसकी कोई एंडेंजर्ड स्पीसीज या इंपॉर्टेंट कोई एनिमल मिलता हो स्पीशीज मिलती हो तो वो भी आपसे पूछी जा सकती है ठीक है कोई रिवर वहां से जाती हो कुछ भी पिक्युलर इन्फॉर्मेशन तो हम डिटेल में कवर करेंगे सारे बायोस्फेयर रिजर्व ऑफ इंडिया आज इस सेशन में राइट एंड दिस इज इट इसका जो सेम जो मैं पढ़ाऊंगी सेम पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा परचम से ओके okay, इससे पहले जो मैंने सेशन लिया था वो था करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ डिसंबर 2020 राइट मंथली करंट अफेयर में लेकर के आई थी और मैंने आपसे पूछा था आपको कंपाइल पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए राइट डेट वाइज तो हमने डाली हुई थी वेबसाइट पे कंपाइल चाहिए या नहीं आप सबने कहा है कि मैम चाहिए तो वो अपलोड हो चुकी है वेबसाइट पर ठीक है सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम इफ यू वॉन्ट चलिए लेट लेटे स्टार्ट विथ टूडे सेशन सबसे पहले हम थोड़ी ब्रीफिंग देखेंगे बिकॉज लाइक आई ऑलवेज से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है बिकॉज अ लॉड ऑफ क्वेश्चन इन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ठीक है तो बेस बनाना जरूरी है बायोस्फेर रिजर्व होता क्या है पहले एक जनरल भाषा में समझ लो फिर हम पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे सी जैसे हमने जब नेशनल पार्क पढ़े थे या इसी तरह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व्स एंड ऑल होंगे ये सब प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं जिसमें हम एक एरिया निर्धारित करते हैं जहां पे पर्टिकुलर एक स्पीशीज ऑफ प्लांट और एनिमल या उस पूरे इको को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाते हैं लेकिन बायोस्फेर रिजर्व एक ऐसा एरिया होता है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है डेवलपमेंट हो सके उस एरिया का मतलब ह्यूमंस भी रहे डेवलपमेंट भी हो लेकिन एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ ताकि नेचर भी डिस्टर्ब ना हो उसका कॉन्जर्वेशन उसका प्रोटेक्शन भी हो सके तो बायोस्फेयर रिजर्व का मेन ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्शन नहीं होता बायोस्फेयर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है बैलेंस्ड डेवलपमेंट जिसमें नेचर भी सर्वाइव करे और ह्यूमन और डेवलपमेंट भी हो सके ठीक है चलिए अब देखते हैं बायोस्फेयर रिजर्व बेस्ड ऑन लोकल एफर्ट्स एंड साउंड साइंस तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके यानी कि डेवलपमेंट uh, जो कि लंबे समय तक चले पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे और ऐसा कै, कैसे पॉसिबल होगा वहां की लोकल कम्युनिटी को साथ में जोड़ करके ओके okay? और साइंस को साइंस यानी कि रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को साथ में ला करके रिसर्च की जाती है उन एरियाज में बायोफेर रिजर्व्स में और वहाँ जो लोकल कम्युनिटीज जो ट्राइब्स रहती हैं उनको भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता आ, वो जो काम करते हैं उसको भी बढ़ावा दिया जाता है ये सारी चीज़ें एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ाई जाती हैं ओके इको सिस्टम ऑफ क्या है इट इज़ एन इको ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ अनयूजअल साइंटिफिक एंड नेचुरल इंटरेस्ट एक ऐसा इकोसिस्टम एक ऐसा पूरा पर्यावरण टू से इन अ कॉमन लेम टर्म जिसमें अनयूजल कुछ हो है ना साइंटिफिक इंटरेस्ट का कुछ हो कल्चरल इंटरेस्ट का कुछ हो नैचुरल इंटरेस्ट का कुछ हो ऐसी एरियाज को बायोस्क रिजर्व के तौर पर देखा जाता है ये टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं यानी कि जमीन पर मरीन या कोस्टल हो सकते हैं तटीय एरियाज में या फिर मरीन यानी कि पूरे कंप्लीटली सी एरिया में हो सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है बायोस्फेर रिजर्व ओके प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड नॉट ओनली टू फ्लोरा एंड फोना यानी कि प्रोटेक्शन सिर्फ फ्लोरा यानी प्लांट्स सिर्फ प्लांट्स को ही नहीं मिलता या एनिमल्स को ही नहीं मिलता फोना मतलब एनिमल्स लेकिन प्रोटेक्शन ह्यूमन कम्युनिटीज को भी मिलता है वहां जो ट्राइब्स रहती हैं प्रोटेक्शन उनको भी मिलता है जो कि उस रीजन में रहते हैं और उनकी वेज ऑफ लाइफ को भी मिलता है मतलब वो जिस नेचुरल तरीके से रहते हैं उसको भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता है यहाँ तक समझ में आ गया चलिए अब जो कॉन्सेप्ट था बायोस्फीयर रिजर्व का कौन लेकर के आया इंडिया की अगर बात करें कि इंडिया ने स्टार्ट किया नो no. ये जो कॉन्सेप्ट था ये ओ ओ हम सो सॉरी ओके दिस कॉन्सेप्ट वॉज लॉन्च इन 1971 कब लॉन्च हुआ है 1971 ने किसने किया यूनेस्को के यूनेस्को वॉट इज द फुलॉर्म ऑफ यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गनाइजेशन यूनेस्को यूनेस्को के एक प्रोग्राम के तहत लॉन्च हुआ उस प्रोग्राम का नाम है मैन एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम मैन एंड बायोस्फेयर इन दोनों को साथ में लेके चलना है इसलिए इसका है नाम पड़ा है तो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम के तहत नाइनटीन सेवेंटी वन के अंदर बायोस्फेयर रिजर्व जैसा एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ ओके okay? अच्छा इंडिया की अगर हम बात करें तो एक तो यूनेस्को का प्रोग्राम चल रहा है यूनेस्को सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करता हर कंट्री अपने बायोस्फीयर रिजर्व्स बना सकता है वो फिर नॉमिनेट करता है अपने बायोस्फीयर रिजर्व्स को कि अगर उसको यूनेस्को अपनी लिस्ट में शामिल कर ले ओके okay? सो so, इंडिया ने जो ये प्रोग्राम था बायोस्फीयर रिजर्व का ये खुद कब इनिशिएट किया यूनेस्को ने तो नाइनटीन में किया नेशनल बायोस्फेयर रिजर्व प्रोग्राम एक है यूनेस्को ये है नेशनल इंडियाज ओन जिसमें इंडिया अपने खुद के बायोस्फेयर रिजर्व घोषित करेगा ओके सो नेशनल बायोस्फेर रिजर्व प्रोग्राम इन इंडिया वॉज इनिशिएटेड इन 1986 कब 1986 में 15 साल बाद 7186 वन एटी सिक्स साल बाद इंडिया ने अपना नेशनल बायोस्फेर रिजर्व प्रोग्राम इंडिया में स्टार्ट किया और टू सर्व बेस फॉर कॉन्जर्वेशन एक ओके ऑफ लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजिकल फाउंडेशन एंड एडिशन टू स्टेबलिशिंग प्रोटेक्टेड एंड एरिया नेटवर्क सिस्टम्स सो ये सब अभी हम धीरे धीरे वैसे समझ ही चुके हैं वो सिर्फ लैंग्वेज है तो मोटी यहाँ पे दो बात जो हैं मोटी मोटी पकड़ने वाली वो कौन सी है? एक तो यूनेस्को का है मैन एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम जो कि 1971 में स्टार्ट हुआ जिसके तहत बायोस्फेयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट आया दूसरा 1986 में नेशनल प्रोग्राम ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया स्टार्ट हुआ था ओके चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए कई बार पूछ लिया जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है राइट right. या एम कौन सा है तो आपको चार स्टेटमेंट दी जा सकती हैं आपको राइट एम पकड़ना होगा तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट एम एंड फंक्शंस क्या है एम यानी कि क्यों बनाया गया है बायोस्टर रिजर्व और फंक्शन यानी किन किन कामों में ये फोकस करता है तो एम है टू गेट अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप सी जो मैंने आपको बताया था एक बैलेंस्ड अप्रोच बिटवीन मैनकाइंड एंड नेचर याद रखिएगा प्रोटेक्शन इज नॉट द मेन एम ऑप्शंस में आ सकता है कि प्रोटेक्शन करना कंजर्व करना नो मेन एम इज बैलेंस बिटवीन मैन कैंड एंड नेचर फंक्शन क्या है क्या क्या, क्या काम बेसिकली देखेगा अब यहां पे आ जाएगा कंजर्वेशन लेट मी कम दिस साइड डेवलपमेंट एंड लॉजिस्टिक्स कंजर्वेशन यानी कि बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना कौन सी कल्चरल डाइवर्सिटी जो ट्राइब्स वगैरह या जो ह्यूमन सेटलमेंट्स वहां पे हैं उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना और जो नेचर वहां पर उसकी बायोडाइवर्सिटी को यानी कि जैविक विविधता को कंजर्व करना ओके okay? डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि जो रह रहे हैं वो रहते रहो बस हमें कोई मतलब नहीं है नो no, जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज या जो डेवलपमेंट बॉडीज होती है वहाँ पे वो कोशिश करती हैं कि सेटलमेंट्स अच्छे से हों जो एग्रीकल्चर ग्रेजिंग फार्मिंग एक्सेट्रा कर रहे हैं फिशिंग कर रहे हैं उसको भी हम बढ़ावा दें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो लेकिन वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ नेचर नहीं होना चाहिए ठीक है सो डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि सोशियो कल्चरली और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो ऐसा विकास ना हो आसपास बड़े बड़े यू नो डेवलपमेंट्स ना हो जिससे कि वहां के ट्राइब्स का कल्चर अफेक्ट हो या फिर वहां के पर्यावरण को नुकसान पहुंचे ओके एंड लास्ट इज लॉजिस्टिक जो भी डेवलपमेंट हो रहा है या जो भी काम वहां पे हो रहे हैं उस काम को और सपोर्ट करना किस तरह से होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए थ्रू रिसर्च ओके थ्रू साइंटिफिक रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड ट्रेनिंग एजुकेशन सो डेवलपमेंट थ्रू रिसर्च मॉनिटरिंग एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जब यूनेस्को भी अपने अंडर में लेता है किसी बायोस्पेयर रिजर्व को तो वो क्या करता है वो ग्लोबल नेटवर्क के अंडर आ जाता है तो किसी भी देश की कोई सी भी बायोस्पेयर रिजर्व पे पूरे देश के साइंटिस्ट या जो एकदम एक्सपर्ट टीम होती है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग कर रही होती है एजुकेशन दे रही होती है ये देखने के लिए कि और बेटर कैसे यह बैलेंस स्ट्राइक किया जा सकता है बिटवीन मैन एंड नेचर ठीक है तो बेसिकली तीन फंक्शन है कॉन्जर्वेशन डेवलपमेंट एंड लॉजिस्टिक्स समझ में आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं चलिए और राइट ना अगेन इस पर भी क्वेश्चन आते हैं जोन्स ऑफ बायोस्फेर रिजर्व एक बायोस्फेर रिजर्व में कितने जोन होते हैं सबसे अंदर कौन सा होता है बाहर कौन सा होता है किसके क्या फीचर्स होते हैं अगेन फटाफट से देख लेते हैं तो देर आर थ्री जोन इन अ बायोस्फेयर रिजर्व पहला है कोर एरिया बफर जोन ट्रांजिशन जोन ठीक है कोर एरिया कोर समझ में आ रहा है कोर यानी सबसे अंदर होगा तो जैसे ये दिखा रखा है डार्क ग्रीन कलर से दिस द कोर एरिया ये आता है बफर जोन और ये बाहर वाला है ट्रांजिशन जोन ठीक है पूरा ही बायोस्फेयर रिजर्व है राइट इधरा थ्री जोन अब जल्दी से इनके पिक्यूलर फीचर्स देख लेते हैं कोर जोन की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया इनर मोस्ट है ये वाला पार्ट ओके अनडिस्टर्ब इको सिस्टम है यहां पे एंट्री वगैरह अलाउड नहीं होती अनडिस्टर्ब छोड़ा जाता है इस जगह को बिल्कुल नो इंटरवेंशन इन साइड यह सिर्फ एक काम में लिया जा सकता है वो है रिसर्च वह okay? यहां पे रिसर्च करनी हो तो लीगली प्रोटेक्टेड होता है ह्यूमन इंटरवेंशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड और राइट सो दिस इज द कोर एरिया देखो ये जो आर लिखा है आर स्ट्रांस फॉर रिसर्च नाउ मूविंग ओवर टू बफर जोन ध्यान से समझिएगा इसको बफर जोन बिट किसके बीच में आता है कोर और ट्रांजिशन के बीच में ये बफर जोन आता है सीबीटी से आप ध्यान रख सकते हैं तीनों एरियाज को सीबीटी ओके अब देखो तो ये जो एरिया है ये सराउंड करता है कोर को यहां पे रिसर्च एंड एजुकेशन होता है यहां पे थोड़ी एक्टिविटीज भी होती हैं यहां पे विजिटर्स आ सकते हैं विजिट कर सकते हैं विद परमिशन एंड ऑल ओके तो ये देख लेते हैं रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए काम में लिया जाता है लेकिन ये जो रिसर्च एंड एजुकेशन है ये किसी भी तरह से कोर एरिया तक डिस्टर्बेंस नहीं पहुंचानी चाहिए क्योंकि कोर एरिया इसके पास में ही है तो यहां पे जो भी गतिविधियां हो रही हैं दे शुड नॉट डिस्टर्ब कोर जोन नाउ इट इंक्लूड्स रिस्टोरेशन मतलब अगर वहां की जगह को वापस से यू नो मान लीजिए वेस्ट लैंड है वेस्ट लैंड को डेवलप करना है वेस्ट लैंड समझते हैं जिसपे कुछ भी पैदावार नहीं हो रखी है लेकिन उपजाऊ है वो जमीन ओके okay? तो उसको अगर डेवलप करना है या फिर टूरिज्म फिशिंग ग्रेजिंग ये सारी एक्टिविटीज अलाउड होती हैं आप यहाँ पे ग्रेजिंग यानी चरवा सकते हो अपने जानवरों एंड ऑल को लेकिन वो कोर जोन तक को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए वो सारी चीजें विच आर परमिटेड टू तो रिड्यूस इज इफेक्ट ऑन द कोर जोन और क्यों परमिट किया जाता है यहां पे काम ताकि अंदर वाले एरिया को खाली छोड़ दिया जाए अगर देखो हर जगह पे रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो कोई मानने वाला है नहीं है ना एनिमल्स भी जाएंगे तो क्या कर दिया गया है कि रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया है कि ठीक है आप अपनी सारी एक्टिविटीज करिए पर इस एरिया को खाली छोड़ दीजिए कोर को इसलिए आप इस वाले एरिया में काम कर सकते हैं विच इज अ बफर जोन बफर समझ में आ रहा है कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं आप यहां कर सकते हैं पर बफर का मतलब नहीं है कि ह्यूमन सेटलमेंट हो यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होता यहां पे एक्टिविटीज परमिटेड हैं देन ह्यूमन एक्टिविटीज आर लेस इंटेंसिव कंपेयर टू ट्रांजिशन जोन लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिविटीज भी परमिटेड नहीं होती हैं अधिकतर जो होती हैं वो ट्रांजिशन जोन में एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं ठीक है ठीके? आ जाते हैं ट्रांजिशन जोन पे पेरिफ्रल एरिया है यानी सबसे बाहरी एरिया है जोन ऑफ कोऑपरेशन कहलाता है यहां पे ह्यूमन का इंटरवेंशन काफी सारा होता है कंजर्वेशन जो भी होगा वो हार्मनी में होगा नेचर और ह्यूमन दोनों का ध्यान रखते हुए किया जाएगा क्रॉपिंग रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री और ह्यूमन सेटलमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ह्यूमन सेटलमेंट यहां पे अच्छे खासे होते हैं यहां पे उसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है ठीक so hmm? है सो दीज वर ऑल दी जोन नाउ मूविंग ओवर टू बायोस्फेयर रिजर्व कौन कौन से बायोस्फेर रिजर्व हैं कितने हैं और उन सबको अब याद करने की कहानी शुरू होती है ठीक है तो देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है 18 बायोस्फेर रिजर्व हैं कितने हैं 18 एज ऑन देर आर टुडे मतलब uh, 2021 जनवरी 14 ठीक है देर आर 18 बायोस्फेर रिजर्व इन इंडिया जिसमें से 12 12 आर पार्ट ऑफ यूनेस्को मैन एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम ओके इंटरनेशनल नेटवर्क अब वो कौन कौन से बायोस्फेयर रिजर्व हैं जल्दी से देख लेते हैं जितनी बार मुंह पे नाम आएंगे उतनी जल्दी याद होते जाएंगे तो देखिए कोल्ड डेजर्ट नंदा देवी अभी स्टेट मैप अगर पता है तो तो स्टेट अपने आप पता कर लोगे है ना बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी मैं सिर्फ लोकेशन बताती जा रही हूँ देन मानस दिहांग दिबांग देहा अचन कामर अमर अमरकंटक पंचमरही पंचमरही ओके okay? कच्छ सुंदरबन सिंपलीपाल शेष चलम नीलगिरी गल्फ ऑफ मन्नार अगस्त मलाई और ग्रेट निकोबार ठीक है तो ये सारे हैं ये सारे हैं आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नहीं ओवरऑल ऑल बायोस्फेर रिजर्व इन इंडिया अठारह ओके अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा सबसे छोटा और सबसे पहला बना हुआ बायोफेयर रिजर्व जल्दी से देख लेते हैं फर्स्ट बायोफेयर रिजर्व वी आर स्टैंड फो बायोस्फे रिजर्व सबसे पहले जो बायोस्फे रिजर्व स्टेबलिश किया गया था इंडिया में कौन सा है 1986 में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1986 में ही क्रिएट किया गया स्टैब्लिश किया गया उसका नाम है नीलगिरी बायोस्फेर रिजर्व ठीक है साउथ में पड़ता है नीलगिरी हिल्स कहां है साउथ में है वहीं से ध्यान रखना है So, रिजर्व फर्स्ट बायोस्कर रिजर्व था कब बना था 1986 में बना था तीन स्टेट्स को कवर करता है ये नीलगिरी ठीक है हिल से याद रखिएगा एक आ जाएगा तमिलनाडु ठीक है केरला कर्नाटका तमिलनाडु केरला कर्नाटका बिल्कुल साउथ वाले हो गए ओके सो so, ये आ गया ठीक है लार्जेस्ट बायोस्कर रिजर्व लार्जेस्ट इज गल्फ ऑफ कच्छ गल्फ कहां से आ गई सॉरी गल्फ ही तो है ठीक है मुझे ग्रेट ग्रेट क्यों याद आ रहा था अच्छा इसका नाम ना ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फेयर रिजर्व भी है इसलिए मेरे को याद आ रहा था इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फेयर रिजर्व इसको गल्फ ऑफ कच्छ भी कह दिया जाता है बट द प्रॉपर नेम इज ग्रेट बायोस्फेयर रिजर्व ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फेयर रिजर्व इन गुजरात ठीक है तो बेसिकली आप रन ऑफ कच्छ याद रखिए कन्फ्यूजन uh, नहीं करेगा ये गुजरात का रण बहुत बड़ा है इसे याद रखना है रन ऑफ कच्छ ओके स्मॉलेस्ट सबसे छोटा बायोस्फेयर रिजर्व है असम में डिब्रू साइवा ओके okay? सो so, डिब्रू साइवा आप देखो वैसे तो गबरू लोग बड़े बड़े होते हैं डिब्रू सबसे छोटा है ओके okay? आसाम में है याद हो जाएगा अभी अभी हम डिटेल पढ़ेंगे छोटा सा मैंने हिंट दे दिया गबरू वैसे बड़ा होता है लेकिन डिब्रू सबसे छोटा है सो so, डिब्रू सिखोवा इन आसाम इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क दिस इज नीलगिरी दिस इज कच्छ एंड दिस इज डिब्रू साइवाज पिक्चर और राइट ओके नाउ दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट ओके दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज यहाँ पे बायोस्फे रिजर्व के नाम हैं कौन कौन से स्टेट में पड़ता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद करना है इस्टेब्लिश डेट दी हुई है और कौन कौन से बायोस्फेय रिजर्व इनमें से वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा है तो हमने जो एक क्रोनोलॉजी सेट की है वो वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फेयर रिजर्व में कब इंक्लूड किया गया कोई बायोस्फेयर रिजर्व उसके हिसाब से सेट किया ठीक है ठीके? ये क्रोनोलॉजी हमने फॉलो नहीं की है ये क्रोनोलॉजी के हिसाब से हमने सेट किया है ये जितने भी नेम्स हैं समझ में आ गया चलिए सो so, अब हमें क्या करना है हमें याद करना है है ना बहुत सी चीजें पहले से याद होंगी डोंट वरी याद करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला पढ़ते हैं नीलगिरी निलगिरी कहां पे पढ़ते है? अभी -अभी हमने देखा तमिलनाडु केरला कर्नाटका वेरी गुड तो ये हो गया हमें याद ये इंक्लूड किया गया था 2000 में 2000 में यूनेस्को रिजर्व का लिस्ट में शामिल किया गया था ओके स्टैब्लिशमेंट ईयर इसका एट्टी सिक्स देख चुके हैं नेक्स्ट आ जाओ गल्फ ऑफ मन्नार गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पड़ती है पहले भी हमने देखा था तमिलनाडु और श्रीलंका वाला जो बीच वाला हिस्सा पड़ता है ना तो तमिलनाडु के पास में गल्फ ऑफ मन्नार पड़ती है अभी जब इसको इंडिविजुअली पढ़ाऊंगी तो पिक्चर भी देख लेंगे तो क्योंकि तमिलनाडु के साइड में पड़ती है तो तमिलनाडु हो गया स्टेट 89 में स्टैब्लिड है और 2001 में यानी इक्कीस बाद इंक्लूड कर लिया गया था ठीक है देन सुंदरबंश सुंदरबंश के बारे में बताने की जरूरत नहीं है सुंदरबन आपको पता है कहां पे पड़ते हैं वेस्ट बंगाल में इंडिया में वेस्ट बंगाल में पड़ते हैं सो वेस्ट बंगाल आ गया एटी में है और ये भी टू में हो गया नंदा देवी नंदा देवी का नेशनल पार्क में हमने पढ़ा था नंदा देवी पर्वत भी कहाँ पर है उत्तराखंड में पड़ता है तो उत्तराखंड सीधे सीधे याद हो जाएगा 88 में और 2004 में अच्छा ये देखिए आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए डाल दिया है आपके ऊपर है आप याद करना चाहें या नहीं करना चाहें थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दिमाग में बिठा लीजिएगा सारे याद करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है डेट्स ओके चलिए सिमलीपल सिमलीपल अब देखो सिमलीपल पड़ता है उड़ीसा में इसको थोड़ा सा याद कर लो कि उड़ना बहुत सिंपल नहीं है उड़ना सिंपल नहीं होता लेकिन सिंप्लीपल उड़ीसा में है हा? उड़ना सिंपल नहीं है लेकिन सिंपलिपल उड़ीसा में है इससे छोटा सा हिंट मिल जाएगा आपको याद हो जाएगा 94 में क्रिएट किया गया इंक्लूड किया गया 2009 थाउजेंड नाइन में देन नोकरेक नोकरेक पड़ता है मेघालय में नॉर्थ ईस्ट में चार बायोस्फीयर uh, रिजर्व आते हैं ओके okay? उनमें से तीन यूनेस्को की लिस्ट का हिस्सा नहीं है मैन एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम लिस्ट का एक है वो एकमात्र कौन सा है नोकरेक ठीक है तो अपने आप में ये स्पेशल हो जाता है आपको याद हो जाना चाहिए नोकरेक पड़ता है मेघालय में नहीं तो देखो कभी सोचे जो बादल होते हैं उनमें छोटे बच्चे युश्य युश्य कर कि अगर बादल में पिन तो क्या पानी आ जाएगा तो मेघ में अगर से आपको छोटा सा हिंट मिल सकता है कि नोक कहा लगाई मेघ में तो नोकरेक पड़ेगा मेघालय में ओके देन पचमर ही पचमर ही मध्य प्रदेश वैसे आपको पता होना चाहिए तो शायद नहीं पता होगा कोई बात नहीं प्रदेश पांच स्टेट से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश की जो बाउंड्री है वो फाइव स्टेट से यू नो टच होती है या घिरी हुई है तो पच पांच कौन सा आ, स्टेट है मध्य प्रदेश तो पचमर ही एम हो गया देन अचन कमार अमरकंटक अब अमरकंटक की पहाड़ियां यह हम पढ़ चुके हैं जब हमने फिजिकल फीचर्स किया था अमरकंटक की पहाड़ियां कहां पड़ती हैं एमपी और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में पड़ती हैं तो अमरकंटक वाला आ गया छत्तीसगढ़ एमपी 2005 और 2012 देन ग्रेट निकोबार ग्रेट निकोबार बाइस रिजर्व अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है एक्चुअली सबसे लास्ट जो आइलैंड uh, है पूरे आर्की का उसमें पड़ता है आर्की मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के बना द्वीपों का समूह है तो so, सबसे आखिरी जो द्वीप है उस पर यह पड़ता है सो so, बेसिकली आपको अगर स्टेट ओब्लिक यूनियन टेरिटरी कर लीजिए है ना अगर यूनियन टेरिटरी देखनी है तो ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है नाम से ही समझ में आ रहा है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगस्त मलाई ओके अगस्त मलाई पड़ता है केरल और तमिलनाडु में सबसे साउथ में है वैसे तो लेकिन ऐसे याद रखिए जब मैंने आपको नेशनल पार्क पढ़ाए थे तब मैंने क्या कहा था मलाई नारियल की मलाई कौन खाता है अन्ना खाता है और अन्ना के लिए हम तमिलनाडु यूज करते हैं हमेशा है ना चेन्नई एक्सप्रेस की वजह से अब चेन्नई एक्सप्रेस कहां से आ गया तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई तो चेन्नई एक्सप्रेस चेन्नई एक्सप्रेस में अन्ना दिखते हैं बहुत सारे ना तो ओवर द टाइम जो वीडियोज फॉलो कर रहे होंगे जो स्टूडेंट्स उनको तो पता होगा अन्ना मतलब तमिलनाडु ठीक है जो नहीं फॉलो कर रहे होंगे अब से आपको पकड़नी पड़ेगी ये बात सो so, अगस्त मलई तमिलनाडु और तमिलनाडु के साथ केरला थोड़ा सा हम दिमाग में सेट कर सकते हैं ठीक है 2001 में बना था और 2016 में इंक्लूड किया गया था फिर आता आते कांसन कानसन कांसनजोंगा कंचनजंगा के लिए वहां का एक वर्नाक्युलर नेम है तो कंचनजंगा पड़ता है सिक्किम में तो सीधे सीधे याद हो जाएगा दो में बना था दो में इंक्लूड किया गया था पन्ना पन्ना वैसे ही बहुत फेमस है बिकॉज हाल ही में यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है 2020 में अदरवाइज पन्ना नेशनल पार्क हमने पढ़ा ही था तो पन्ना बायोस्फेयर रिजर्व आपको याद हो जाना चाहिए मध्य प्रदेश में ओके okay? देन मानस मानस भी हम याद कर चुके हैं जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो तो जब भी मानस यानी इंसान या हमारा मन दुखी होता है हम पर आसमान की तरफ देखते हैं आसमान में कौन है भगवान है ना तो हम आसमान की तरफ देखते हैं तो मानस से आसाम ओके okay? देन दिब्रू सिखो दिब्रू सिखो भी हम कर चुके हैं नेशनल पार्क के टाइम में कि हमें कोई सीख मिलती है लाइफ में या कोई सीख चाहिए होती है तो भी हम आसमान की तरफ देखते हैं है ना तो दिब्रू सिखो आसाम और वैसे मैंने करवा दिया गबरू बड़ा होता है और दिब्रू सबसे छोटा है और okay? आसाम में पड़ता है ओके देन देहांग दिबांग देहांग दिबांग दिबां नदियां जब हम पढ़ रहे थे हाँ ब्रह्मपुत्र सिस्टम जब हमने पूरा पढ़ा था देहांग दिबांग कहाँ की नदियां हैं अरुणाचल की हैं तो ये बायोस्फेर रिजर्व भी अरुणाचल का हो गया ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फेर रिजर्व ये प्रॉपर नेम है इसका ठीक है तो रन ऑफ कच्छ गुजरात में सबको मालूम है ये हो गया अच्छा अब देखो यहाँ से कौन सी कहानी शुरू हो गई है यहाँ से वो कहानी शुरू हो गई है जो कि इंक्लूडेड नहीं है है ना जो कि यूनेस्को में इंक्लूडेड नहीं है यहाँ तक ये बारह कंप्लीट हो गए थे तो लास्ट कौन सा था पन्ना था ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा है ना 2000 में पन्ना बायोस्फेर रिजर्व इंक्लूड किया गया था यूनेस्को की लिस्ट में अब ये जो बाकी है कोल्ड डेजर्ट देख लो कोल्ड डेजर्ट देखो वैसे तो कोल्ड डेजर्ट ना लद्दाख को कहा जाता है मतलब ऐसे ही कहा जाता है टर्मनोलॉजी दी जाती है क्योंकि वो सब कुछ वहाँ पे बहुत ठंडा है और वहाँ का जो पूरा यू नो सिस्टम है सिस्टम इन द सेंस जो फिजिकल फीचर्स हैं वो डेजर्ट की तरह है तो इसलिए इसको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है लेकिन कोल्ड डेजर्ट बायोस्फेयर रिजर्व ये जो पूरा बायोस्फेयर रिजर्व है ये कहां पड़ता है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और राइट देन शेष छलम शेष छलम शेष छलम या शेष चलम जैसे भी आप प्रनाउंस करें ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में ओके okay? तो शेष चलम से आप देखो शीशा ले सकते हैं शीशा अंधा व्यक्ति शीशा नहीं देख सकता राइट right? या फिर जब आंधी आती है तो शीशा टूट जाता है कैसे भी आप याद रखिए अंधे व्यक्ति से आप ले सकते हैं लेकिन अगर आपको लगता है चीज सेंटिमेंट्स हर्ट कर सकती है वैसे नहीं करनी चाहिए हम बहुत पॉजिटिव लाइट में ले रहे हैं तो आप आंधी ले सकते हो आंध्र प्रदेश के लिए सो so, शीशे से आप इन चीज़ों को एसोसिएट करके शेष चलन आंध्र प्रदेश में पड़ता है ठीक है अब ये छह आप याद रखिएगा ये याद रखने की बजाय कि कौन से बारह इंक्लूडेड हैं वैसे तो याद रखना चाहिए लेकिन इजी है कि कौन से छह इंक्लूडेड नहीं है ठीक है तो तीन तो हो गए नॉर्थ ईस्ट के राइट नौकरी को छोड़ के बाकी सारे कौन कौन से हैं मानस दिब्रू सेखव और दिहांग दिबांग ये तीन इंक्लूडेड नहीं है उसके अलावा देखो गुजरात का ऑफ कच्छ सबसे बड़ा है लेकिन इंक्लूडेड नहीं है तो ये अपने आप में you यू नो know, विवादास्पद विवादास्पद तो नहीं है एक आयरनी हो गई या फिर एक विरोधाभास हो गया राइट कि सबसे बड़ा है फिर भी इंक्लूडेड नहीं है तो ये एक हो जाएगा और कोल्ड शीशा ठंडा शीशा कोल्ड शीशा से आप कोल्ड डेजर्ट और शेष छलम याद रख सकते हैं ये छह हो गए जो इंक्लूडेड नहीं है यूनेस्कोस लिस्ट ऑफ मैन एंड प्रोग्राम में डन सो आई रियली होप आपको सारे बायोस्फेयर रिजर्व उनके स्टेट्स याद हो गए होंगे और यह पता चल गया होगा कौन से बारह इंक्लूडेड हैं और कौन से छह इंक्लूडेड नहीं है ठीक है अब हम चलेंगे एक एक करके एक बायोस्फेयर लेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व कौन सा है ये सबसे पहला बायोस्फेर रिजर्व जो बना था वो है ओके जो भी यहाँ लिखा है वो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कुछ भी स्किप नहीं करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे गए हैं तो सबसे पहला पॉइंट है वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट में आता है ये इट इज इंक्लूडेड इन वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट इंपॉर्टेंट ओके लोकेशन कहां पढ़ते हैं हमने देख लिया था तमिलनाडु केरला कर्नाटका यूनेस्को में 2000 में शामिल किया गया ये सारी कहानी हो गई अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बायोस्फीयर रिजर्व के कॉन्टेक्स में पढ़ना है कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आते हैं सवाल बनते हैं क्योंकि ठीक है एग्जाम में आजकल सीधे, सीधे सीधे सवाल नहीं पूछे जाएंगे और हायर लेवल ऑफ एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं तो इस बायोस्फे रिजर्व में या किसी भी बायोस्फेर रिजर्व में कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज पड़ते हैं प्रोटेक्टेड एरिया यानी कोई नेशनल पार्क पड़ रहा हो कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ रही हो कोई रिजर्व पड़ रहा हो तो टाइगर रिजर्व एलिफेंट रिजर्व एक्सेट्रा सो कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया है यहाँ पे मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओके जो, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देन बांदीपुर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है नागरहोल नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है मुखुर्ती नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क है जो कि सो so, ये सब आते हैं इस बायसफेर रिजर्व के अंदर ओके होमवर्क होमवर्क इन द सेंस जल्दी से रोको वीडियो और कॉमेंट करो कॉमेंट करके बताइए मधुमलाई और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये दो कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में दोनों लिख देती हूँ कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में पढ़ते हैं जल्दी से कॉमेंट करके बताइए ओके सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट मैं वीडियो आ, रिलीज होने के या पब्लिक होने के आधे पौन घंटे एक घंटे तक फॉर दैट मैटर अवेलेबल रहती हूँ इंस्टेंट कमेंट्स पढ़ने और रिप्लाई करने के लिए सो इफ आई गेट योर कमेंट यू विल बी गेटिंग अ हार्ट यूजुअली राइट आंसर्स पे वी प्रोवाइड हार्ट ओके सो ये क्वेश्चन है आपका जल्दी बताइए नेशनल पार्क हम कर चुके हैं तो बांदीपुर कहाँ पड़ता है बंदी बंदी नाटक करते हैं कर्नाटका नागर होल नगर में होल है तो नाटक करते हुए मत चलो कर्नाटका मुकुर्ती कुर्ती, कुर्ती कौन नहीं पहनता अन्ना तो तमिलनाडु साइलेंट वैली साइलेंट करेला खाते हुए बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं तो केरला तो ये चारों हम याद कर चुके थे और ये दोनों मुझे आपको मतलब आपको मुझे लोकेशन बतानी है ठीक है सो तो ये एरिया है ये लोकेशन है जहां पे ये बाइसफर रिजर्व पड़ता है वेरी इंपॉर्टेंट अगेन बाइसफर रिजर्व के कॉन्टेक्स में आपको जो पिक्यूलियर या तो वहां की एंडेमिक एंडेमिक यानी जो वहीं पाई जाती हूँ या फिर एंडेंजर्ड जो विलुप्ति के कगार पे होती हैं वो स्पीसीज पता होनी चाहिए तो वो हमने सिर्फ मेन मेन लिखी हमने सारी स्पीसीज जो भी वहां पाई जाती है भेड़ बकरी ये सब नहीं डाला है राइट right? बिकॉज उन पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता नो पॉइंट no वही वही नाम आप बार बार पढ़ोगे सो so जो पिक्यूलर विदाउट वी इंक्लूडेड सो जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी है ओके okay? नीलगिरी ताहर जो कि ये रहा अब नीलगिरी के नाम से ये तो कंफ्यूज नहीं करेगा नीलगिरी लंगूर ऑलराइट लायन टेल्ड मकैक मुख्य रूप से यहाँ पे पाए जाते हैं लायन टेल्ड मकैक इनकी पूंछ देखो लायन जैसी है सो लायन टेल्ड मकैक कहाँ मिलते हैं नीलगिरी में मिलते हैं ओके देन रिवर्स क्वेश्चन देखा गया है एग्जाम में रिवर्स के ऊपर भी कि इस बायसफे रिजर्व में से कौन सी नदी जाती है ये नदी कौन से बायसफे रिजर्व में से जाती है तो जो रिवर्स हैं वो हम देख लेते हैं भावनी मोयर काबिनी जो कि कावेरी की ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां हैं इसके अलावा शलियार पूनमपुजा एक्सेट्रा तो नहीं पूछा जाएगा सो <laughs> so, ये सारी प्रमुख नदियां हैं जो इस बायोस्फीयर रिजर्व में बहती हैं ओके चलिए नेक्स्ट नीलगिरी हो गया अच्छा अभी हमने कैसे अ, अलाइन किए हैं ये हम पहले साउथ के देख रहे हैं ठीक है जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है साउथ के कंप्लीट करते हैं फिर ऊपर चलते हुए सेंटर ईस्ट वेस्ट वगैरह के करेंगे फिर नॉर्थ और फिर नॉर्थ ईस्ट पे आएंगे ठीक है तो अभी साउथ के चल रहे हैं तो सेकंड आता है गल्फ ऑफ मन्नार बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि फर्स्ट मरीन समुद्रीय रिजर्व इंडिया का कौन सा था कौन सा था गल्फ ऑफ मन्नार अब देखो लोकेशन यहां पर है ना ये तमिलनाडु का एरिया है यहां पर गल्फ ऑफ मन्नार पड़ता है ओके सो गल्फ ऑफ मन्नार को थोड़ा सा ये इलेबोरेटेड व्यू दिखा दिया समवेयर यार गल्फ ऑफ मन्नार विल बी हाँ ओके? सो so, लोकेशन है तमिलनाडु पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार गल्फ ऑफ मन्नार इंटरनेशनली दो देश शेयर करते हैं ना तो इंडिया वाले पार्ट में पड़ता है शैलो uh, बे है फॉर्मिंग कौन सी सी लैकेडाइव सी ओके लक्षद्वीप भी बोलते हैं ना देन ऑल राइट लक्षदीप सी या गल्फ ऑफ मन्नार इंडियन टेरिटरी में जो है वहां पे ये पड़ता है कौन सा बायसफे रिजर्व गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फे रिजर्व कौन कौन सी रिवर्स है देख लो अगर हम बात करें श्रीलंका की साइड से बहती हुई तो मालवथु ओया जिसको मालवथु रिवर कहते हैं श्रीलंका की और इंडियन रिवर्स की हम बात करें तो थामिराबार रिवर एंड वाइपर रिवर ओके okay, ये ये नदियाँ इस एरिया में देखी जाती हैं राइट बेसिकली आकर के मिक्स होती है ना तो लिटल वाटर्स आर शेयर्ड इसलिए थोड़ा श्रीलंका का पार्ट भी आ गया प्रोटेक्टेड एरियाज यहाँ पे कौन कौन से हैं गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क भी है और यही वाइल्ड लाइफ सॉरी बायोस्फेयर रिजर्व भी है तो यही इसके अंदर प्रोटेक्टेड एरिया है और ये 2001 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था राइट अब जल्दी से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी देख लेते हैं सी का जिसको डुगोंग डुगौन भी बोलते हैं जो कि मेन तौर पे यहां पे पाई जाती है उसके अलावा सी एनिमोन सी क्यूकम्बर और बहुत सारी वैरायटी ऑफ सी टर्टल्स और कई जगहों पे कई बार वेल्स और डॉल्फिन भी यहां पे देखी जाती हैं ठीक है तो ये बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे सी काओ किसको कहा जाता है ध्यान रखना है आपको सी काओ बिकॉज ये सबसे बड़ा मैमल है जो कि वेजिटेरियन है है ना इस एरिया में सो ये हो गया देन सी क्यूकम्बर और टर्टल्स हो गए ओके मूविंग ओवर टू ग्रेट निकोबार बायोस्फेर रिजर्व ओके okay? so, हमने नीलगिरी देख लिया मन्नार देख लिया अब ग्रेट निकोबार की तरफ चलते हैं लोकेशन कहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड निकोबार आइलैंड की लोकेशन आपको पता है इंडिया में वेरी गुड तो ग्रेट निकोबार इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड इन द निकोबार आइलैंड आरकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है ना तो निकोबार का सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड जो है वो है ग्रेट निकोबार और वहां पे ये पर रिजर्व पड़ता है और इसमें ऑलमोस्ट एट्टी फाइव परसेंट ये देखो ये ग्रेट निकोबार का नक्शा है और उसका ऑलमोस्ट एट्टी फाइव परसेंट इस बायोस्फेर रिजर्व के अंडर कवर्ड है और राइट और ये यूनेस्को की लिस्ट में दो में इंक्लूड किया गया प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से हैं इसके बे नेशनल पार्क एंड गलेथिया नेशनल पार्क ये दोनों नेशनल पार्क हमने अंडमान एंड निकोबार में पढ़ रहे थे लेकिन अंडमान निकोबार में बहुत सारे नेशनल पार्क थे राइट तो उनमें से ये दो आते हैं ओके सी जी या जी सी जैसे भी आप याद रखना चाहें दिस इज ग्रेट निकोबार ग्रेट निकोबार में जी एन में जी सी आता है ऐसे आप चाहें तो सीधे याद रख लो कैम्बेलन गलेथिया दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं अदरवाइज ऑल्सो कैम्बेन गलेथिया आ जाते हैं ग्रेट निकोबार बायसपेर रिजर्व में और राइट right, यहां की बायोडाइवर्सिटी देख लेते हैं फटाफट ग्रेट निकोबार लॉन्ग टेल मकैक नाम से ही रिलेट हो जाएगा ग्रेट निकोबार स्क्रब फाउल निकोबार ट्री टी ओके सॉल्ट वाटर क्रॉकोडाइल और एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट अब ये थोड़ा अलग सा नाम है इसलिए थोड़ा सा याद भी रखो और बहुत इंटरेस्टिंग सा भी है ये जो नेट नेस्ट बनाती है ना एडिबल स्विफ्ट एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट एक स्विफ्ट बर्ड है स्विफ्टलेट है बेसिकली जो कि एक ऐसा नेस्ट बनाती है अपने सलाइवा यानी थूक से जो कि सूखने के बाद हार्ड हो जाता है और इसको खाया जाता है इंसानों द्वारा इट इज कंसिडर्ड अ डेलिकेसी और इस वजह से ये बर्ड एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई है बिकॉज इसके नेस्ट को अब उसमें एग्स वगैरह

आ, ये वन टू थ्री फोर फोर प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं जिसमें शेंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नैर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कलाकड़ मुंड टाइगर रिजर्व ये पढ़ते हैं इसके लिए कोई हिंट टेक्निक मैसेज नहीं दे रही हूँ ओके अपने आप देखिएगा थोड़ा जो मेन फोना है यहाँ पे आ, 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 अगस्त माला नहीं है ये अगस्त मलई है अगस्त माला भी बोलते हैं एक्चुअली इसको अगस्त माला रेंज है ना तो उसके नाम पे अगस्त मलाई है वैसे वो लेकिन अगस्त माला हिंदी में लिखा जाता है कई जगहों पे कई जगह पे मलाई भी लिखा जाता है सो so, पर हम प्रॉपरली लिखे इसको ओके okay, यहाँ पे बंगाल टाइगर एशियन एलिफेंट और नीलगिरी ताहर यहाँ पे मिलते हैं मुख्य रूप से और ये टू में बायोस्फेयर एंड मैन प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया था और राइट देन मूविंग ओवर टू शेष चलम हिल्स बायोस्फेयर रिजर्व अब ये कहाँ पड़ेगा शेषलम आंध्र प्रदेश हाँ आंध्र प्रदेश तो लोकेशन कहां है आंध्र प्रदेश अब ईस्टर्न घाट पे पड़ेगा पूर्वी साइड है ना तो ईस्टर्न साउथ सदन सदन ईस्टर्न घाट्स इन शेष छलम हिल रेंजेस कवरिंग पार्ट्स ऑफ चित्तूर एंड कड़पा डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट एरियाज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पूरे आंध्र प्रदेश को कवर नहीं करता है बायुस्पे रिजर्व कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को करता है इसलिए डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर दिया है कई जगहों पे पूछ भी लिया जाता है सो यू शुड नो ओके okay, और यहाँ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोना है या फोना यानी एनिमल है वो है लॉरिस स्लो लॉरिस स्लेंडर लॉरिस ओके लॉरिस की आइज़ बहुत बड़ी बड़ी होती है सो so, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो आ, अंधे व्यक्तियों की आइज बहुत खूबसूरत होती है यूजुल ना जो देख नहीं पाते उनकी रोशनी नहीं होती है बट दे आर वेरी ब्यूटीफुल आइज तो सिमिलरली स्लेंडर लॉरिस की आइज बहुत बड़ी बड़ी होती है ब्यूटीफुल तो नहीं कह सकते हैं, बहुत थोड़ी बड़ी है ओके सो so, आइज से आप एसोसिएट कर सकते हो स्लेंडर लॉरिस कहा मिलता है आंध्र प्रदेश में ओके कि आंध्र प्रदेश के सेशलिज्म केयसफेयर रिजर्व में और मूविंग अवर टू सुंदरबंश अब देखो ये साउथ के हो गए कंप्लीट अब हम आ जाते हैं ईस्ट से सेंटर से वेस्ट होते हुए वे चलेंगे ठीक है तो सुंदरबन वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट है सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात सुंदरबन है ना क्योंकि लार्जेस्ट मैनग्रोव हैं ओके पार्ट ऑफ डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इन वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में पड़ता है और वो भी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है आ, उनके पार्ट्स में पड़ता है लार्जेस्ट कंटिन्यूस मैनग्रोव एरिया बांग्लादेश को अगर हम साथ में जोड़ लें तो लार्जेस्ट मैनग्रोव एरिया है ये वर्ल्ड में और हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल से बलेश्वर रिवर बांग्लादेश तक स्ट्रेच होता है ये ओके किसके लिए जाना जाता है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सब जानते होंगे प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं यहाँ पे सुंदरबन नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व तो आपको पता ही है उसके अलावा सजनिक अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोथियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हालिदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सो ये तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अंदर में आती है और ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है दो में तो ये देखिए वेस्ट बंगाल के वेस्ट बंगाल के ये वाले हिस्से में ये बांग्लादेश आ गया तो ये शेड है लेकिन जो ये हमारे इंडिया वाले पार्ट में ये यहाँ पे पड़ता है और उसका ये आपको स्ट्रेच दिखा रखा है नेक्स्ट सिम्पलिपल कहाँ है ये उड़ना सिंपल नहीं है ना तो ओडिशा हो गया मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा ओके ये ध्यान रखिएगा मयूरभंज और राइट प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं पार्ट ऑफ मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व मयूरभल एलिफेंट रिजर्व का थोड़ा सा पार्ट इसमें इंक्लूड किया जाता है सिमलीफल टाइगर रिजर्व इसमें आता है ओके हड़गर हड़गर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है और कुलदेहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है चार प्रोटेक्टेड एरियाज इसके अंदर आते हैं और ये यूनेस्को के प्रोग्राम में 2009 में शामिल कर लिया गया था उसके अलावा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यहाँ है ये ऐसा बायोस्फे रिजर्व है जिसके पास लार्जेस्ट जोन ऑफ साल है साल पेड़ होता है लार्जेस्ट जोन ऑफ साल किसी बाइस रिजर्व में अगर इंडिया में है तो वो किसके पास है सिमलिपल के पास है ओके चलिए नेक्स्ट इसके जो फौना है वो देख लेते हैं बंगाल टाइगर एशियन एलिफेंट आपको पता है है ना इंडियन बाइसन जिसको बोलते हैं और चौसिंगा देखो इसके चार सीन दिख रहे हैं आपको आई रियली होप दिख रहे होंगे वन टू थ्री फोर ठीक है तो ये चौसिंगा है तो ये यहाँ की मेन स्पीशीज uh, हैं इन एनिमल्स मूविंग ओवर टू अचन कुमार अमरकंटक बायोस्फेर रिजर्व अमरकंटक के नाम से भी पॉपुलरली जाना जाता है कहाँ पड़ेगा हमने देख लिया था एमपी और छत्तीसगढ़ में पड़ेगा सो so, एमपी एंड छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और एमपी के अनुपुर डिस्ट्रिक्ट और ढिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है है ना अनूपपुर और ढिंडोरी एमपी और बिलासपुर छत्तीसगढ़ प्रोटेक्टेड एरियाज अचिन कुमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है फोना फोना देख लीजिए इसमें भी फोर हॉर्ड एंटीलोप जो चौसिंगा हम बोलते हैं चौसिंगा यहाँ भी मिलता है इंडियन वाइल्ड डॉग यहाँ पे मिलेगा सारस एशियन वाइल्ड वाइट ब्लैक वल्चर गिद्ध है ना ये एशियन वाइट ब्लैक वल्चर है और सेक्रेट गोफ बुश फ्रॉग ये सारी यहाँ की स्पीशीज हैं और ये 2012 में यूनेस्को में इंक्लूड कर लिया गया था ये इसकी लोकेशन देख लीजिए आपको वैसे मैप ये सब आपको पी मिल जाएगा ये रही कहाँ पहुंच गए हम नहीं आ, ये रही ये लोकेशन है ना इसी का इलेबोरेशन यहां पे दिया हुआ है नेक्स्ट पचमर ही बारेस्वर रिजर्व पचमी पांच मध्य प्रदेश हो गया ठीक तो है तो सतपुड़ा रेंज सतपुड़ा रेंज एमपी में पड़ती है सतपुड़ा रेंज ऑफ एमपी में पड़ता है सतपुड़ा माउंटेन्स बेसिकली वेस्ट टू ईस्ट है और बिल्कुल उनके सेंटर में ये पचमर पड़ता है कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं बोरी सेंचुरी पचमर सेंचुरी सतपुड़ा नेशनल पार्क ओके तो सतपुड़ा हिल से याद हो जाएगा पचमर नाम है ही और बोरी सीधे याद रख सकते हो की लिस्ट में है और यहाँ इसकी लोकेशन दे रखी है ये एमपी में एम के साउथ वाले साइड में ये बायोस्क रिजर्व है नेक्स्ट पचमर की बायोडाइवर्सिटी देख लेते हैं जायंट स्क्रल इंपॉर्टेंट है फ्लाइंग स्क्रिल नहीं है ये ध्यान रखिएगा इट इज अ जायंट स्क्ल बड़े साइज की स्क्वरल सो रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं ये दोनों जो दिखाई जा रही हैं जायंट स्क्रिल और Chill, यानी खाती खाती है खाती है सांप इसलिए ये दोनों कहाँ के लिए पचमरही के लिए तो ध्यान रखेंगे हम ओके नेक्स्ट पन्ना बायोस्फेयर रिजर्व पन्ना कहां पर एमपी में किसके लिए जाना जाता है अपने बाघ यानी टाइगर्स के लिए जाना जाता है लोकेशन इज विंध्या माउंटेन अच्छा माउंटेन्स इंपॉर्टेंट है देखिए पचमरही था सतपुड़ा में ओके okay? और जो पन्ना है वो पड़ेगा विंध्याज में और राइट ये दोनों ही एमपी की के रेंजेस हैं सो so, विंध्या माउंटेन रेंज इन पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी पन्ना से पन्ना डिस्ट्रिक्ट याद रहेगी छतरपुर याद रखना है विंध्या माउंटेन रेंज में पड़ता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा कैन रिवर ये अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैन बेतवा प्रोजेक्ट जो है वो इसी टाइगर रिजर्व के अंदर में आएगा सो कैन रिवर ट्रिब्यूटरी है जो कि यमुना की वो इस रिजर्व से बहती है कैन रिव कैन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट विल बी लोकेटेड प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन से हैं पन्ना नेशनल पार्क और कैन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है तो ये दोस्त रिजर्व ऑफ यूनेटी में हाल ही में शामिल किया गया है ओके okay? इंपॉर्टेंट है देन इसकी जो स्पीशीज है ऑफ फोना वो देख लेते हैं सबसे पहले आपको पता है टाइगर ओके देन लेपर्ड अर रीच रीच जिसको कि स्लॉथ बेयर कहते हैं ओके okay, वो है देन ये uh, नील गाय ओके okay, हिरण की प्रजाति है ये गाय नहीं है इट इज़ इट इज़ अ टाइप ऑफ डियर उसके अलावा चीतल चिंकारा सांभर ये सब हिरण के टाइप्स हैं ये सब यहाँ मिलते हैं चलिए नेक्स्ट ग्रेट रन ऑफ कच्छ बाइसर रिजर्व जो कि गुजरात में पड़ता है फटाफट से इसके बारे में देख लेते हैं गुजरात में कहाँ कहाँ आ रहा है ये पार्ट ऑफ कच्छ मोरबी सुरेंद्र नगर एंड पाटन डिस्ट्रिक्ट ये चार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये गुजरात है लेकिन गुजरात के ये एरिया है ओके okay? देन लार्जेस्ट बायोस्फे रिजर्व हम देख चुके हैं ये एक जाना जाता है इंडियन वाइल्ड एस के लिए इंडियन वाइल्ड एसेज यहाँ पे मिलते हैं उसके अलावा एक और चीज है जो कि जिसके लिए जाना जाता है यहां पे हर साल एक लाख से भी ज्यादा फ्लेमिंग आते हैं ब्रीडिंग के लिए ओके सो इट इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट पिक्युलर फीचर ऑफ दिस और ये है इंडियन वाइल्ड एस जिनकी फोटो हमने लगा रखी है ठीक एरिया वाइज सबसे बड़ा है देन आता है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फे रिजर्व अब हम चल रहे हैं नॉर्थ की तरफ कोल्ड डेजर्ट हिमाचल में पड़ता है राइट right? सो so, इन द वेस्टर्न हिमालय रीजन जो कि है हिमाचल प्रदेश में वहां पे ये लोकेशन है यहाँ पे कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं पिन वैली नेशनल पार्क पढ़ चुके हैं हम पिन वैली हिमाचल में चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सरचो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सारे इसके प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो इस बायस रिजर्व के अंतर्गत आते हैं फोना में बेसिकली स्नो लेपर्ड यहाँ पे मिलते हैं मुख्य रूप से जो कि हमने पिन वैली और जब वो पढ़े थे तो भी देखा था ओके देन नंदा देवी बायसकर रिजर्व कहाँ पड़ेगा उत्तराखंड में वेरी गुड सो नेचुरल वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट है ये भी और राइट right, उत्तराखंड में पड़ता है रिवर जो इस बायर रिजर्व से जाती है वो है रिवर वो उसका नाम है ऋषि गंगा ऋषि गंगा नदी है एक जो यहाँ बहती है प्रोटेक्टेड एरियाज नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स वैली ऑफ फ्लावर्स हमने पढ़ा था नंदा देवी इसका नाम है ही तो ये दोनों आप याद रखेंगे और यूनेस्को की लिस्ट में दो में शुमार कर लिया गया था ये उत्तराखंड का मैप है ओके okay, और ये वाला एरिया मार्क किया हुआ है चलिए दिस एरिया इज नॉट ऑफ द रिजर्व दिस बेसिकली दिस एरिया इज द रिजर्व एरिया विच इज बीन शोन ओके ये रेड सर्कल इज नॉट द रिजर्व एरिया चलिए नंदा देवी की uh, और बायोडाइवर्सिटी देख लेते हैं एक हमने अभी एक भी नहीं देखी है मैं स्नो लेपर्ड से कंफ्यूज हो गई बिकॉज़ ये हमने कोल्ड डेजर्ट में भी देखा था ठीक है तो एंडेंजर्ड स्नो लेपर्ड हिमालयन ब्लैक बेयर ब्राउन बेयर भी होता है मस्क डियर मस्क डियर जानते हैं जिसे कस्तूरी मृग कहते हैं है, है ना कस्तूरी मृग तो आ, मस्क डियर है और ये स्टेट एनिमल है उत्तराखंड का राइट सो तो ये यहाँ पे मिलता है भराल या ब्लू शीप ये भी यहाँ पाई जाती है सो दीज आर इंपॉर्टेंट एनिमल स्पीसीज फिर हम आ जाते हैं कंसंग जोंगा पे जो कि सिक्किम में है अब हम चल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट पे तो जितने भी रिमेनिंग है फटाफट से कवर कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट में कितने बायस रिजर्व है मैंने आपको बताया था चार एक इंक्लूडेड है यूनेस्को की लिस्ट में तीन इंक्लूडेड नहीं है यूनेस्को की लिस्ट में तो सबसे पहले कंचन जोंगा सिक्किम है ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है और ये पहली मिक्स्ड हेरिटेज साइट है जो कि अपनी नेचुरल यू नो रीजंस की वजह से और कल्चरल रीजंस दोनों की वजह से यूनेस्को uh, की लिस्ट में शामिल की गई है इसको मिक्स्ड साइट कहते हैं ठीक है सो इट इज़ अ मिक्स्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया पहली याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट है ओके वर्ल्ड्स थर्टी फोर बायोडावर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक है ये हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं जहां पे चलो बताओ मुझे वॉट आर हॉटस्पॉट्स स्पॉट सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए वॉट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बहुत सिंपल है राइट तो चलिए ये वर्ल्ड के 34 फोर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है कंचनजंगा और ये 2018 में यूनेस्को के मैन एंड बायोसफेयर प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया था यहां की फटाफट से स्पीसीज देख लेते हैं द स्पीसीज आर मस्क डियर स्नो लेपर्ड हिमालयन ताहर तार ये रहा हिमालयन तार ओके okay. धोले जो कि वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है स्लॉथ बेयर विवरिड और हिमालयन ब्लैक बेयर और रेड पैंडा ठीक है रेड पैंडा आपको नॉर्थ ईस्ट में दिख जाएगा हर जगह ऑलमोस्ट फिर हम आते हैं मानस बायोस्फीयर रिजर्व पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके अलावा नेशनल पार्क भी है टाइगर रिजर्व भी है एलिफेंट रिजर्व भी है और बायोस्कर रिजर्व तो है ही तो ये सारी आ, उपाधियां इसको मिल रखी हैं खिताब इसको मिल रखे हैं है, असम में पड़ता है और यहाँ से कौन सी नदी बहती है मानस बेकी रिवर यहाँ से फ्लो होती है सो so ये इसका लोकेशन है राइट देन मूविंग ओवर टू द एंडेंजर्ड या फिर एंडेमिक स्पीशीज तो पिग्मी हॉक असम रूफ्ड टर्टल हिस्पिड हेयर वाटर बफेलो वाटर बफेलो के लिए खासतौर पे जाना जाता है क्योंकि बहुत सारी हैं यहाँ पे गोल्डन लंगूर ओके okay, ये सारे यहाँ के एनिमल्स हैं फेमस फॉर पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड वॉटर देन डिब्रू सिखोवा ओके okay, सबसे छोटा जो है लोकेशन है इसका पार्ट ऑफ ऑफ डिब्रूगढ़ एंड डिस्ट्रिक्ट असम स्मॉलेस्ट है एक तरफ ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी है और नॉर्थ में और साउथ में डिब्रू रिवर है ओके okay? तो ब्रह्मपुत्र लोहित और डिब्रू के बीच में ये पड़ता है एंड लार्जेस्ट सेलिक स्वम फॉरेस्ट ये मैंने आपसे क्वेश्चन किया था इंस्टा पे आज आ, के कौन सा रिजर्व है जिस जो कि अपने लार्जेस्ट सेलिक फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है सोम फॉरेस्ट यानी दलदली फॉरेस्ट जहां पे पानी वगैरह रहता है और सेलिक्स इज अ बेसिकली वैरायटी ऑफ ट्री जिसको कि विलो ट्री नॉर्मली आम भाषा में भी कहते हैं ओके कॉमन लैंग्वेज में सो so, uh,

ओके okay, इसके ऊपर ना ऐसा स्ट्रक्चर है ऐसा लगता है इसने कैप पहनी हुई है सो so, ये यहाँ के इंपॉर्टेंट उसके अलावा का टाइगर भी कई बार देखने को मिल जाता है एंड नेक्स्ट एंड आई और कौन सा रह गया और कौन सा रह गया एक मिनट हमने कंचनजंगा पढ़ लिया देन मानस हो गया देन खोवा हो गया नोकरे पांच आएंगे सॉरी पांच आएंगे राइट सो नोकरे की जो लोकेशन है दैट इज ऑन ट्यूरा रेंज गारो हिल्स मेघालय नोकरेक नोकरे हाइएस्ट पीक है गारो हिल्स की ठीक है ये यह यहां पर यहां पर ये यह लोकेटेड है ओके okay? और रिवर्स यहां पे कांडोल, दारिंग और सिमसांग 90% इस रिजर्व का जो एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है एवरग्रीन फॉरेस्ट से और प्रोटेक्टेड एरियाज इसमें नौकरे नेशनल पार्क आता है और कोई ज्यादा खास बात इसमें है नहीं वेरायटी देख लीजिए इंपॉर्टेंट है जॉइंट फ्लाइंग स्क्विरल उड़ने वाली गिलहरी है ना इसके यहाँ पे स्किन का एक्स्ट्रा फ्लैप होता है जो पाँव खोल लेती है तो विंग की तरह काम करता है सो जॉइंट फ्लाइंग स्क्विरल मिलती है वाइल्ड एलिफेंट्स गिबन्स जो कि मोस्ट एंडेंजर्ड एप्स इन इंडिया है हॉलॉक गिबन्स या गिबन्स ये यहाँ पे मिलते हैं हु, हु हु की साउंड निकालते रहते हैं इसलिए एंड पिकटेल्ड मकैक्स ये यहाँ पे पाए जाते हैं देन दिहांग दिबांग बायोस्फेर रिजर्व इज द लास्ट वन द एटींथ वन और वेस्ट सियांग अपर सियांग और दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश में इसका लोकेशन है प्रोटेक्टेड एरिया इसमें मॉलिंग नेशनल पार्क और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ते हैं और बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है ये भी वर्ल्ड का एक ओके okay? और इसकी ये लोकेशन ये रही फाइन सो so, uh, इसकी लास्ट स्लाइड देख लेते हैं और वह है यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी बहुत ही पिक्यूलियर बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि अधिकतर हिस्सा इस बायोस्फेयर रिजर्व का ट्री न उगे उस एरिया में पड़ता है नो इतने ऑल्टीट्यूड पे है कि वहां पे वेजिटेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाती है सो so, मिशमी ताकिन जो ताकिन है यहाँ पे बहुत ताकि पाए जाते हैं ताकिन झुंड में घूमते हैं मिशमी ताकिन है ये रेड गोरल है मस्क डियर भी यहां पाया जाता है रेड पेंडा आपको मिलेगा मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में और गोशन मुन्जैक इफ आई एम प्रनाउंसिंग इट राइट तो ये भी यहां पे पाया जाता है एंड विद दिस वी आर डन विद बास्फेर रिजर्व इन इंडिया सो आई रियली होप आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा जो याद करने वाली चीजें इंपॉर्टेंट थी वो याद हो गई होंगी जो थोड़ी बहुत बच्चियाँ आप खुद याद कर सकते हैं एंड uh, इसका पी डी एफ जैसा कि मैंने कहा वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा सो दिस इज इट जल्द ही मिलेंगे एक और इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो कि डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन हम उसको आसान बनाएंगे विद आर मेमरी एंड निमोनिक टेक्निक्स सो सी यू पीपल टेक केयर बाय बाय